शहर के पक्की सराय चौक के पीछे सड़क का अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को शनिवार को पुलिस और प्रशासन की टीम ने मिलकर ध्वस्त कर दिया। इस दौरान प्रशासन की इस कार्रवाई के विरोध में स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। प्रशासन की टीम ने जेसीबी से सड़क के किनारे बने मकानों को तोड़ दिया, इससे कई लोग बेघर हो गए। इस दौरान स्थानीय लोगों का कहना था कि प्रशासन ने हमारे आशियानों को ध्वस्त कर दिया है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे, अब हमारे सर छुपाने का भी संकट हो गया है। हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए, हम लोग का ये सब टूट गया है घर, अब हम कहाँ जाएंगे बताइए। आप लोग क्या करते, सरकार कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ हाथ हाथ रख के बैठ सकते हैं, बाकी हम लोग सहारा नहीं दे सकते। अगर ये चीज हमको सहारा दे ना, हम बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे बताइए। आप लोग हम लोग कहीं भी बना के दीजिए ना, कोई इजाजत नहीं मिला। 15 दिन के अंदर में यही इजाजत, 5 दिन के अंदर में DM साहब ऑर्डर कर दी, नगर आयोग ऑर्डर कर दी कि जो चाहे तोड़ दे। बताइए ना, खाने का ठीक है ना कुछ है, बताइए। हमारा इसमें माँ बाप सब मरा हुआ है, 1 रुपया रोज पर महामारी माँ इसमें रह भी है, और एक पूरा कागज हमने पत्थर दिखा दिया गया है। अब क्या करें, बोलिए क्या आलम है, क्या दिखे, क्या आलम हो रहा है, अब बताइए। इसका कोई परिणाम निकालिए, कोई गरीब आदमी को ठिकाना दीजिए कहूँ पड़े, भीख मांगने के लिए छोड़ दिया गया है।